ओके बच्चों, सो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर ब्रिक मैसनरी पिलर्स। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज डिजाइन एज एज द फाउंडेशन फॉर अ 2.5 मीटर हाई वन ब्रिक बाय वन ब्रिक मैसनरी ब्रिक पिलर, है ना। सो ब्रिक पिलर की हाइट क्या दी है आपको, 2.5 मीटर्स। जो साइज है पिलर का वो क्या है, वन ब्रिक बाय वन ब्रिक। क्वेश्चन में दिया है कि जो आपके ब्रिक्स हैं वो मॉड्यूलर है, ठीक है। आगे देखते हैं डाटा क्या गिवन है। सपोर्टिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन। अब ये क्या दिया है आपका, 20 किलोन्यूटन, ये सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज लोड एंड दैट इज गिवन 20 किलोन्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट डाटा क्या गिवन है, द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, दैट इज एल नॉट। एंड 120 सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। एंड गिवन द एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री, मीन्स फाइव इज गिवन 30 डिग्री। द सॉइल डेंसिटी इज 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, मीन्स गामा ऑफ सॉइल गिवन है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। और गामा ऑफ ब्रिक तो हमें पता ही है क्या होता है, 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। एंड गिवन है कि यूज पीसीसी 1:3:6, ठीक है। ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर डिजाइन स्टेप्स आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत जल्दी से सारी वैल्यूज आपकी निकल आएंगी, सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, सो जिन्होंने अभी नोट नहीं किया है या नोट नहीं कर पाए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे मूव करते हैं। स्टेप नंबर वन, एंड द स्टेप वन वॉज डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन था, कुछ भी नहीं करना है आपको, एल अपॉन नॉट अपॉन गामा, और यहाँ पर गामा क्या है, सॉइल का 1 - sin φ / 1 + sin φ² फॉर्मूला गिवन था। एल नॉट कितना है, 120 कितना है, 18, फाई कितना है 30 डिग्री, तो 1 - sin 30 / 1 + sin 30, ओके, टू द होल स्क्वायर। चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 / 18 दैट इज 6 से 20 / 3, 20 / 3, 1 - sin 30 is 1/2, 1 - 1/2 is 1/2, 1 + 1/2 is 3/2, so 2 to cancel 1/3, so 20/3 × 1/9 ये आएगा, है ना। सो दैट इज 6.67 / 9, ठीक है। सो दैट इज 741 mm, सॉरी मीटर में आएगी वैल्यू, सारी वैल्यू मीटर से, तो दैट इज 740 mm, एंड दिस इज ग्रेटर देन 500 mm, सो ठीक है, हमें 500 mm से ज्यादा ही चाहिए थी, इससे कम नहीं लगनी है। अगर कम होती तो हम 500 mm एज्यूम कर लेते अपनी डेप्थ, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन यार चेक कर लेना, वैसे सही होगा, बट
फिर भी देख लेना, मैं अपना कैलकुलेटर से कैसे से चेक कर लूँ, कुछ भी गलत हो तो अपना सही कर लेना उसमें, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन एंड दैट इज डन, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एल नॉट अपॉन गामा ऑफ द सॉइल इनटू 1 माइनस sin phi / 1 प्लस sin phi टू द होल स्क्वायर, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, एल नॉट सेव बेरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल, गामा सॉइल इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज गिवन, phi इज द एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री इज गिवन, सारी वैल्यूज पुट कर दिए हमें वाली डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। देन स्टेप नंबर 2 एंड दैट इज डिजाइन रूट, डिजाइन लोड, ठीक है। डिजाइन लोड W1 गिवन है, सुपर इम्पोज लोड क्वेश्चन में 20 किलोन्यूटन, W2 इज सेल्फ वेट ऑफ द पिलर, सेल्फ वेट ऑफ द पिलर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ द पिलर, यहां पे गामा क्या है, गामा ऑफ ब्रिक्स दैट इज 18, वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच हाइट ऑफ द पिलर, है ना। अब वन ब्रिक बाय वन ब्रिक है, चलो इसका साइन निकाल देते हैं, वन ब्रिक बाय वन ब्रिक, यानी ये इसको स्मॉल एल बी, दैट इज एल दैट इज बी, वन ब्रेक मॉड्यूलर में कितना होता है 200 mm, है ना, तो साइज क्या हो गया 200 by 200, दोनों वन ब्रेक है, दैट इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है, ध्यान रखिएगा, तो सारी वैल्यूज मीटर में लगेंगी हमें, तो एल 0.2, बी 0.2, एच कितना गिवन है 2.5 गिवन है, गेस यस 2.5 गिवन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, That is 18 into 0.2, 0.04 into 2.5, 2.4, 10 and the 3 times. So that would be 0.1, 18 into 2.5, 100 and 1, 2, 3, 0.1. So that is 1.8 kilo. तो सेल्फ वेट ऑफ द पिलर आ गया आपका 1.8 किलोन्यूटन, ठीक है। एंड द W3 का गिवन था आपको 20% ऑफ W1 प्लस W2, सो 20 इनटू W1 इज 20, W2 इज 1.8 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज 20 इनटू 21.8 डिवाइडेड बाय 100, so that it will be just 16, 2, 3 and 4 upon 100, 43.6, sorry, 436 upon 100, so that would be 4.36 kilometer. I'm again saying please calculation check karte rahiyega, दैट इज 4.36 किलोमीटर, जिसे इस कैंची से अपना कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। ओके, सो टोटल लोड इज W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 इज 20 प्लस 1.8 प्लस 4.36, 24.36 प्लस 1.80 26.16 किलो न्यूटन, ये आ गया आपका टोटल लोड। W1 क्वेश्चन में गिवन था, W2 हमने निकाल लिया है, यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, L और B हमें पता चल गया क्योंकि पिलर का साइज गिवन था 1 ब्रेक बाय 1 ब्रेक और मॉड्यूलर था, तो दैट वुड बी 200 by 200, है ना। देन W3 इज 20% ऑफ W1 प्लस W2, वैल्यू पुट की, तीनों को ऐड कर दिया, हमारे पास डिजाइन लोड आ गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इज साइज ऑफ द फुटिंग एंड दैट वुड बी लार्जर ऑफ साइज बाय कैलकुलेशन एंड साइज बाय स्टेबिलिटी,
है ना, लार्जर ऑफ, क्या निकाल रहे हैं, साइज ऑफ द फुटेज, साइज बाय कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं। ओके, साइज कैलकुलेशन से कैसे निकलता है, हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। लोड क्या है, डब्ल्यू टोटल लोड डिवाइडेड बाई एरिया। सो यहाँ से एरिया आ गया टोटल लोड डिवाइडेड बाई सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, अब डिजाइन लोड कितना आया है हमारा, 26.16 किलोन्यूटन, है ना। सेल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कितनी है, 120। सो एरिया क्या है, 26.16 डिवाइडेड बाय 120। अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करके देखो, मैं भी करता हूँ कैलसी से। 26.16 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 120, दैट इज 0.22 मीटर स्क्वायर। तो साइज बाय कैलकुलेशन हमारे पास आ गया एरिया, दैट इज 0.22 मीटर स्क्वायर। अब देखो जो साइज ऑफ द पिलर है, दैट इज 1 brick by 1 brick, इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, स्क्वायर पिलर है ना, और स्क्वायर पिलर है तो इसकी फुटिंग भी कैसी होगी, स्क्वायर। सपोज साइड मान लेते हैं बी, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहां से बी निकाल लो, साइड ऑफ द फुटिंग दैट वुड बी रूट पॉइंट टू टू आता है आपका 0.47 मीटर, 0.47 मीटर, 0.47 मीटर। ठीक है, ओके। अब ये जो साइड है आपका, ठीक है, ये हाफ ब्रिक के मल्टीपल में होना चाहिए, जितने भी साइजेस हैं सारे हाफ ब्रिक के मल्टीपल में होने चाहिए, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन ब्रिक से है। अब अगर मॉड्यूलर ब्रिक की बात करें तो वो होता है 200 mm का, तो उसका हाफ ब्रिक कितना हो गया, 100। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल की बात करोगे तो 230 mm का होता है, तो उसका हाफ ब्रिक कितना हो जाएगा, 115 mm। अब यहां मॉड्यूलर की बात है तो चेक करो, ये क्या हो जाएगा आपका, 470 mm। क्या ये 100 के मल्टीपल में है, बिल्कुल नहीं है। सो 100 के मल्टीपल में क्या होगा, 100 200 300 400 400 से ज्यादा है, यानी अगला मल्टीपल लेना पड़ेगा 500, इसको हम लिख देंगे 500। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल साइज आया b by कैलकुलेशन, दैट इज 500 by 500। ओके, नाउ सेकेंड, अब लार्जर ऑफ साइज बाय कैलकुलेशन हो गया, सेकेंड इज साइज बाय स्टेबिलिटी। साइज बाय स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी में फिर से यार वही बात है, बना लेते हैं टेढ़ा डायग्राम अपना, जैसा भी बनेगा। ये क्या है, 1 brick, क्योंकि पिलर का साइज क्या है, 1 brick। मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, और बिकॉज ये स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ सेम होगी। ये 1 brick है तो ये कितना होगा, मिनिमम 2 brick, है ना। और ये क्या होगा, x1, ये भी क्या होगा, x1। और फॉर मॉड्यूलर ब्रिक्स, है ना, एज्यूमिंग x1 इज इक्वल टू 100 mm, कर लो एज्यूम फटाफट 100 mm, देन l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 brick। दिस इज सपोज दिस इज l, तो l विल बी व्हाट, 2 brick प्लस x1 प्लस x1। ब्रिक कितना है, 200, क्योंकि मॉड्यूलर है, प्लस x1 इज 100, x1 इज
100 that is 400 plus 100 200 that is 600 ठीक है। अब बिकॉज ये स्क्वायर है तो एल इक्वल टू बी होगा तो दोनों ही क्या देंगे 600 ठीक है। मैंने ये क्यों किया था, एक्स वन मैंने हाफ ब्रिक के हिसाब से कि ब्रिक कौन सा है उसका हाफ क्यों एज्यूम किया। देखो सपोज अगर मैं इसे 120 हमारी रेंज क्या थी 100 टू 150 सपोज मैं इसे 120 एज्यूम कर लेता क्या होता है 120 होता प्लस 120 होता तो ये आता आपका 640 है। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ता क्योंकि ये हाफ ब्रिक के मल्टीपल में तो है नहीं है ना, हाफ ब्रिक के मल्टीपल में नहीं है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। फिर यहां पर वैल्यू होती है हमारी 700 mm राउंड ऑफ करके। अभी भी हम जो रेंज है उसी में है, 100 भी रेंज में है। अगर आप 100 ही करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी 600 आपकी, आपको राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बचेगा आपका ठीक है। ओके सो हमारा जो साइज आया है वो स्टेबिलिटी से आया है 600 बाई 600 mm और कैलकुलेशन से आया है 500 बाई 500 mm। आप लोग बहुत समझदार हो, लार्जर कौन सा है साइज बाय स्टेबिलिटी। सो प्रोवाइडिंग साइज ऑफ फुटिंग 600 बाई 600 mm ठीक है। तो हमारा स्टेप नंबर 3 भी हो गया साइज ऑफ द फुटिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप नेट अपवर्ड प्रेशर, स्टेप नंबर 4 नेट अपवर्ड प्रेशर, नेट अपवर्ड प्रेशर नेट अपवर्ड प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है पी This is equal to W1 plus W2 divided by area. W1 plus W2, W1 was 20, W2 was 1.80. किलो न्यूटन में ही रखना है याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई एरिया मीटर में ही रखना है याद रखिएगा 0.36 कैसे 0.6 into 0.6 कितना हो गया 0.36 सो दैट इज 21.8 डिवाइडेड बाई 0.36 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए वैल्यू कितनी आ रही है 60.55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 60.55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके। नाउ लास्ट स्टेप स्टेप फाइव क्या है थिकनेस ऑफ पीसीसी, थिकनेस ऑफ पीसीसी इसको डी मान लेते हैं और फॉर्मूला क्या था डी इज इक्वल टू रूट 6p एक्स स्क्वायर इंटू 10^3 डिवाइडेड बाई 2 mr। ओके सो 6 × 60.55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना था ठीक है। x की वैल्यू मीटर में रखनी है तो 0.100 mm इज 0.1 meters मल्टीप्लाई बाय 10^3 डिवाइडेड बाय सॉरी 0.1 का स्क्वायर 60 x स्क्वायर सो 0.1 टू द स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × mr की वैल्यू पीसीसी कौन सा यूज कर रहे हैं 1:3:6 है ना, उसके लिए एमआर की वैल्यू है 0.352 सो 0.35 इसे सॉल्व करिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ डी और ये वैल्यू आती है मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 71.8367 71.8367 mm। और जब मैंने ये लिखाया था तो वहां पर मैंने इसकी रेंज दिखाई थी एंड दैट वाज
75 to 150 mm. तो अगर ये 75 नहीं है तो इसे हमें कितना लेना पड़ेगा, 75 mm. ओके, सारी वैल्यूज हमारे पास फाइनली आ गई हैं। अब हम कर लेते हैं स्केच, जो कि मेरा बहुत अच्छा नहीं है बट आप समझ जाओगे। सबसे पहले फाउंडेशन, चलो एक ट्राई मारता हूं सही बनाने का। ठीक है, ये हो गया आपका पीसीसी। इसकी डेप्थ कितनी है आपके पास, 75 है ना। और जो मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है ना, और यहां से जो आपने डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन निकाली है वो टोटल कितनी निकाली है, 740। अब देखो हमारे पास यहां से यहां तक की कितनी डेप्थ बची है अभी, 740 माइनस 75, मतलब ये डेप्थ बची है हमारे पास 665 mm। और जो आपका मॉड्यूलर ब्रिक है उसका साइज क्या होता है, 200 बाई 100 बाई 100, यही साइज होता है। मतलब उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी, 100 200, ये वाला साइड थिकनेस 100 और ये वाली साइड 100, है ना। तो मतलब कितने ब्रिक लग सकते हैं यहां पर, ध्यान से देखो कितने ब्रिक लग सकते हैं, 665 है, 100 100 के 6 लग सकते हैं, है ना। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो पहला स्टेप है उसका साइज क्या होगा, ठीक है। उसका साइज कैसे निकालोगे, ये साइज आपको पता है कितना है, 600 mm। प्रोजेक्शन आपको पता है कितनी माननी है, ये 100, ये माननी है 100, तो कितना बचा, ये 400 mm, है ना। और 400 mm कितने ब्रिक होता है, 400 mm होता है हमारा 2 ब्रिक। 400 mm कितने ब्रिक होता है, 2 ब्रिक, क्योंकि 1 ब्रिक कितना होता है, 200। और ठीक है हमें कम से कम इतना ही तो चाहिए और सही भी आएगा क्योंकि हमने स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से ही तो हमारा मैक्सिमम आया था साइज। अब मूव कैसे करते हैं, मूव करते हैं हाफ ब्रिक के मल्टीपल में, तो ये अगर 2 है तो ये कितना होगा, 1.5 ब्रिक, फिर ये कितना होगा, 1 ब्रिक। अब क्या हाफ ब्रिक में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो भैया, क्यों नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके ब्रिक का साइज ही है पिलर का साइज ही है 1 ब्रिक, है ना। यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा पिलर। अब ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये हो गया 100, अभी तो 300 ही हुआ है, यानी ऊपर कितना बचा होगा, 365 बचा है अभी, है ना। तो इतना पिलर तो बढ़ाओगे नहीं आप, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे से डबल करना स्टार्ट करते हैं। नीचे से क्यों डबल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नीचे का जो स्टेप है उसका एरिया सबसे ज्यादा है, अगर उसे आप डबल करोगे तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो और ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, है ना। जो लोड है उसको और ज्यादा एरिया मिलेगा, इसको करोगे तो इतना ही एरिया मिलेगा, इसको डबल करोगे तो इतना एरिया मिलेगा, तो इसको डबल करते हैं, यानी इसके एक ब्रिक के ऊपर एक और लगा देते हैं, तो इसे कर देते हैं 200, है ना। अभी भी 265 बचा है, इससे 100 चला गया, 265 बचा है, अब इसके ऊपर वाला करो 200, ठीक है। अभी भी 165 बचा है, इसे करो 200, अब बचा ही 65, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो और ऊपर यहां से पिलर रन हो जाता है, ये हो जाता है आपका ग्राउंड, ठीक है। और ये है आपका पीसीसी,
सारी वैल्यू आपको पता चल गई है, कैसे कैसे फाउंडेशन बनेगा, कितनी डेप्थ होगी, थिकनेस ऑफ पीसीसी कितनी है, और ये सारी वैल्यूज एमएल है ना। अब बिकॉज ये स्क्वायर फाउंडेशन है आपका, क्यों स्क्वायर फाउंडेशन है, क्योंकि पिलर भी आपका स्क्वायर था है ना, तो जैसा लेंथ में बना है वैसे ही वेथ में बनेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब आप लोग इसे ट्राई करोगे फॉर टू ब्रिक बाय वन ब्रिक फ्लेयर, सेम क्वेश्चन है, बस आप पिलर चेंज कर देना, दैट इज टू ब्रिक बाय वन ब्रिक, ये आपका होमवर्क है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। और डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस सिर्फ आएगा जहां पर आप साइज निकाल रहे होंगे, जैसे ही आपने एरिया बाय कैलकुलेशन मेथड निकाल लिया वहां पे एल इंटू बी हो जाएगा दिस एरिया, और एल और बी का वही रेशियो होगा जो एल ऑन बी का है, मतलब पिलर का है, दैट इज 2:1 है ना, तो यहाँ पे एल हो जाएगा आपका 2b है ना, ये यहाँ पर पुट कर दोगे तो 2b² = एरिया आ जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा, b के वैल्यू से l का वैल्यू आ जाएगा है ना, बस यही चेंज है, सिर्फ यहीं पर चेंज होता है, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ट्राई करिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।